तो गाइज कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, अगर आपके भी चैनल पे कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है या किसी ने दे दिया है तो आप उसे कैसे हटा सकते हो और किस लिए हमारे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। अगर आपका कॉपीराइट स्ट्राइक 90 डेज के बाद नहीं हटता है तो मैं आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे अपना कॉपीराइट स्ट्राइक हटा सकते हैं 90 डेज के बाद। तो गाइज और आपका चैनल जो है कॉपीराइट, अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया है तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक वैसे भी दे देता है कि आपका चैनल आगे ग्रो ना कर पाए। तो गाइज इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे, जो फेक दिया रहेगा आप उसे हटा भी सकते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब क्या होता है और कॉपीराइट क्लेम का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मैं जानेंगे कि कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब। हमारे चैनल पे यहाँ देख सकते हैं कि एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। अब किस लिए आया, मैंने क्या गलती किया था और किसने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया, यूट्यूब ने दिया है कि कोई और दिया है, तो मैं सब कुछ समझेंगे। और तो यहाँ देख सकते हैं 3 स्ट्राइक में से 1 स्ट्राइक आया है। अगर 3 स्ट्राइक आएगा तो चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यूट्यूब टर्मिनेट कर देगा। तो गाइस ये कॉपीराइट स्ट्राइक किस लिए आता है, अगर हम जैसे किसी का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए, यूट्यूब से डाउनलोड करके अपलोड कर दिए और उसे क्रेडिट नहीं दिए, वो जब चाहेगा तब मुझे स्ट्राइक दे सकता है। कुछ ऐसे मेरे साथ भी हुआ और मैं मतलब उसका वीडियो तो नहीं अपलोड किया था, केवल इंस्टाग्राम का जो लोगो होता है उसको केवल एक्सप्लेन किया था और उसने मुझे 1 महीने बाद मेरे चैनल को पे स्ट्राइक दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक दिया। तो यहाँ देख सकते हैं स्ट्राइक। तो आप अगर किसी की भी मतलब किसी का मटेरियल अपने वीडियो में यूज करते हैं वो जब चाहे तब आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, उसके मन का है, यूट्यूब ये नहीं देता है। अगर आप मेरा वीडियो डाउनलोड करके आप अपने चैनल पे डालते हो तो मैं भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ, ये यूट्यूब नहीं देता है। ये जिसका भी वीडियो आप डालेंगे या जिस कंपनी का आप कोई भी चीज़ यूज करेंगे वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम क्या है। यहाँ आपको कॉपीराइट क्लेम, हमारे वीडियो पे कॉपीराइट अभी क्लेम आया नहीं है, अब मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। कॉपीराइट क्लेम अगर यहाँ देख सकते हैं मेरा वीडियो है, इस पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है। अगर कॉपीराइट क्लेम आया होता तो यहाँ कॉपीराइट क्लेम लिख जाता। कॉपीराइट क्लेम का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर लिया और उसे अपने डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट नहीं दिया तो मुझे कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं। और जो मेरे अगर मेरा चैनल मोनेटाइज है, जितना भी व्यूज आया, जितना डॉलर बनता है, मैं मुझको नहीं मिलेगा, म्यूजिक का जो ऑनर रहेगा उसको पैसा मिलेगा। तो आप कॉपीराइट क्लेम्स और बाकी कुछ नहीं होता है, नहीं आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। चाहे आपके चैनल पर 10 कॉपीराइट क्लेम आया उसका कोई मायने नहीं रखता है, केवल आपको क्या, अगर आपका चैनल मोनेटाइज तो आपको उससे पैसा नहीं मिलेगा, बस यही इतना है। कॉपीराइट क्लेम से डरना नहीं है। अब यहाँ कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटाएं, तो यहाँ हम फिर से अपने चैनल डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं चैनल डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, तो कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट क्लेम वीडियो आप उसको डिलीट कर देंगे तो कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। और यहाँ जो एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक है या पहले या जो एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक, इसे कैसे हटाए, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है जहाँ पर अभी आया है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक फर्स्ट आया है और यहाँ आपको दिखाई देगा एक्सपायरी इन 88 डेज, मतलब मेरा जो एक्सपायरी है 88 डेज के बाद होगा, 2 दिन बीत गए। अब आपको करना क्या है, यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट एक्शन, अगर मतलब सिलेक्ट एक्शन करते हैं, यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने जो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया आप उससे बात भी कर सकते हैं कि हाँ किस लिए दिया है, आप उसे हटाने का रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सब नहीं करना है तो अगर आपको कॉपीराइट, देखो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो 90 डेज के बाद ही हटेगा, और कुछ लोगों का होता है कि 90 डेज बीत जाते हैं तो भी कॉपीराइट स्ट्राइक उनका नहीं हटता है। तो भाई मैं बताता हूँ, अगर आप अपना वीडियो, अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक, जिस भी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया है उसको डिलीट नहीं करना है, 90 डेज के बाद ही डिलीट कर। अगर आप डिलीट कर दोगे तो आपका 90 डेज के बाद भी आपका कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटेगा, फिर एक स्ट्राइक आएगा, फिर एक स्ट्राइक आएगा और आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वीडियो अपना डिलीट नहीं किया है, यहाँ देख सकते हैं, और आपको भी डिलीट नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर।